गाइस, दिस इज आईबी एंड वेलकम टू सीपी टाइप। ओके गाइस, आज मैंने केमो.पीके से एक ब्लूटूथ ईयरफोन्स मंगवाए हैं और जो लास्ट वाले थे ये ईयरफोन्स टूट गए हैं क्योंकि मैं बाइक पर था और काफ़ी स्पीड में था, जिसकी वजह से ये ईयरफोन्स मेरे गले से उड़ कर रोड पर गिर गए और कैसे मैंने पीछे देखा, एक ऑटो वाला इनके ऊपर गुजर चुका था तो ये टूट चुके हैं और मैंने रोड से उठाए भी नहीं, वहीं पे गिरे रहने दिए। सो नहीं, खाली बॉक्स है मेरे पास। तो केमको डॉट पर एक डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप भी परचेज करना चाहें कोई भी प्रोडक्ट तो आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल सकता है। FAB200 लिख दें कूपन बार में तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि मैंने कौन सा ईयरफोन ब्लूटूथ वाले मंगवाए हैं और वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि वो किस तरह के हैं। अच्छा जी, ओके गाइस, ये एक पैम्फलेट बीच में से निकला है नाप तोल डॉट पीके की तरफ से। आई थिंक जो सेलर था उसकी ये वेबसाइट है, लेकिन मैंने लिया इसको केमो.पीके से। तो चलिए गाइस, हम अपने प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, खाली एक रैपर है और ये है प्रोडक्ट। आपने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी फेसबुक पर, इसकी काफ़ी चल रहे हैं ये आजकल एड्स में, तो मैंने सोचा चलें ये ही देख लेते हैं क्योंकि अगर ये कान में फिट आ गए तो ये उड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। तो इनके ऊपर भी एक टेप लगा हुआ है, चलिए इसको भी उतारते हैं। अच्छा जी, लगता है कोई फारिग बंदे ने बैठ के इसके ऊपर रोल किए होंगे टेप के। ठीक है जी, ओके गाइस, बॉक्स ओपन हो चुका है, एक छोटा सा था। अच्छा जी, ओए होए, अच्छा जी आप ब्रीक पिन कह लें, ये एक लंबी सी पिन है जो कि आई थिंक इसको चार्ज करेगी। और ये एक छोटी सी डिवाइस है जिसका सारा कमाल है, ये इसका स्पीकर दिया गया है और ओके जी, ये एक चार्जिंग होल यहाँ पे दिया गया है और ये एक बटन दिया गया है। चलिए इसको ही दबा देते हैं, शायद कुछ लाइट्स वगैरह ब्लिंक हो जाए। ओके जी, ये देखिए यहाँ पे एक रेड, अगर आप देख रहे हैं रेड और ब्लू लाइट है, जिसका मतलब ये पेयरिंग मोड में है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम एक ओके गाइस, सबसे पहले हम इसको पेयर कर लेते हैं अपने मोबाइल के साथ। जैसे हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे, ये देखिए S530 इसने डिटेक्ट कर लिया है। तो चलिए गाइस, हम इसको कनेक्ट करते हैं और ये पेयरिंग लिखा आ रहा है और ये कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब जो भी मैं प्ले करूँगा वो यहाँ से आवाज़ आएगी। चलिए म्यूज़िक चेक करते हैं इसका साउंड कैसा है, और म्यूजिक प्लेयर में जाते हैं। ओके गाइस, ये जो साउंड है ये हमारी छोटी सी एक ब्लूटूथ डिवाइस में से आ रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं इस बटन से आप म्यूजिक को प्ले भी कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये इसको दबाऊंगा तो ये म्यूजिक प्ले हो गया, और जैसे ही हम इसको फिर से दबाएंगे तो ये पॉज हो जाएगा। आई थिंक इसको अगर हम लॉन्ग टैप करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये खाली पॉज और प्ले के लिए ही है, इसके अलावा ओह अच्छा जी, ये अगर इसको हम लॉन्ग टैप करेंगे तो जो रिसेंटली हमने कॉल की होगी ये वो डायल करना शुरू कर देगा अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं। ठीक है जी, जो साउंड क्वालिटी है, जाहिर सी बात है कि आप इस डिवाइस को इन ईयरफोन्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फ़ोन के लिए खाली यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है।
और अगर आप इसको अपने कान में लगाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा मे बी अनकम्फर्टेबल लगे और ऐसा लगे कि ये गिरने लगी है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये गिरेगी नहीं, ये काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील करवाएगी। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा देर मतलब 12 से 10 घंटे तक लगा कर रखेंगे तो यकीनन आपके कान में थोड़ा सा दर्द होगा। ओके गाइज, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो kemu.pk से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।